एवं समस्त फिले वेरी गुड आफ्टरनून आई थिंक वी आर लाइव नाउ। तो फिले तुम मानकर मॉक टेस्ट रही पार्ट वन पर्टिकुलरली सीयूईटी बीड और स्टेट बीड पे इंपोर्टेंट क्लास टी अटे फुल कवरेज आम करवा यहाँ हूँ लाइवली मॉक टेस्ट रही तुम मानकर मॉक टेस्ट लिंक संडे दिन मुझ तुम मानकर शेयर करी पेड ग्रुप रे एवं पेड ग्रुप स्टूडेंट्स मैंने यार बेनिफिट निहाती भाव में पाइथ आशा करो वॉइस एवं पिक्चर क्वालिटी तुमको पिले सठिक भाव में आसुव जदि पिले वॉइस एवं पिक्चर क्वालिटी क्लियर अच्छी काइंडली पिले तुमने लाइव चैट इनफॉर्म कर दे आम क्लास टी कंटिन्यू करवा जो मैंने पिले पेड ग्रुप अवेलेबल अच्छ तुम मानक रखुच्छी जदि तुम्हें मॉक टेस्ट दे वेल एंड गुड और मॉक टेस्ट देला जो क्वेश्चन गुड़ाक डाउट रही जाता है इतना कवर अप करवा विदिन कपल अफ मिनिट भितर 20 मिनिट टार्गेट रही है दुईटा चालीस रु तीन टा भितर आम 20 मिनिट भितर 40 टी क्वेश्चन को कवर अप करवा जेहेतु तुम मानकर पिले नुआ पैटर्न नुआ स्ट्रक्चर रही तो तुम मानकर सिलेबस से अनुसार रही सिलेबस स्ट्रक्चर आम जहाँ से अनुसार मुझ तुमको मॉक टेस्ट नहीं आसी यार बेनिफिट तुम मैंने अलरेडी पी सारी पेड ग्रुप पिला जो मैंने पिले फ्री ग्रुप अच्छ एपर्तंत तुमने फेड ग्रुप जॉइन है ना तो निहती भाव में यार फायदा तुम्हें उठे पार यूट्यूब जरिया लाइव क्लास तुम्हें मॉक टेस्ट को देखिपर क्वेश्चन गुड़िकार पापर एवं क्वेश्चन पे मॉक टेस्टर थी एमती कि ना नॉर्मल क्वेश्चन थी चैलेंजिंग क्वेश्चन तुम मन थी देखने तुमने जापर तो गोटे कथा पे कही रखिए जो स्टूडेंट्स मैंने इच्छुक अच्छ टेलीग्राम चैनल जॉइन होगा पेड ग्रुप तो निहती भाव में पे मत यही नंबर टेलीग्राम किंवा व्हाट्सएप रे मेसेज कर तुमको पिले पेड ग्रुप डिटेल देवी से कौन कौन बेनिफिट रही बुझेदेवी मॉक टेस्ट आरंभ करके फ्रीली पीडीएफ नोट सब मिल चार्जेस पिले के 101 रुपीज ता सहित डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे हमरो फ्री ग्रुप रही फ्री ग्रुप जॉइन हो जो कि तुम ठीक अच्छे एवं फ्री ग्रुप रे पाखापाखि 1998 मेम्बर अलरेडी जॉइन होकर अच्छा तुम्हें से टाइप जॉइन हो पार तो डायरेक्टली पिले कौन भी काल विलंब नक आम ये तुम मानक जहाँ भी इलिजिबिलिटी कंडीशन रही जमीका तुम मानक नेम को फुलफिल कर तो नेम मु पिले तुम मानक सुकान दे दूँ तो ये स्ट्रीम तुम मैंने एक्स वाई जेड जहाँ भी लिखिपार तो मनकर पिले आर्ट्स मुझे दौचे किंबा छाड़ आर्ट्स न देखे तुम्हें साइंस भी देपर आर्ट्स देपर जहाँ भी देपर ठीक अच्छे तापर एटीतापर आम जब देखा पिले तुम मानकर पैटर्न दृष्टि आम जो पैसेज रही पैसेजा ये रही तो सर्वप्रथम डायरेक्टली मो पैसेजर क्वेश्चन को जीवी एवं फटाफट पिले कवर अप कर पैसेज पिले दे मिनरल रेयर्स ऑन व्हील कोकोम्स पिले क्वेश्चन बास आमको यह पचार मिनरल लेयर्स कोकोम्स बास यह पचार तो से टर्मटा को आम देखा कि आमर कौटी पैसेज अच्छी बुझिपार मुझ कौन कहली ये टर्मटा को देखा द मिनरल यहाँ अच्छी देख पिले ये तुम मान बफरिंग हो अच्छा बफरिंग हो रुहे रुह रोस्ट नेटवर्क पे जियो नेटवर्क सब रोस्ट हूँ जियो सुपरफास्ट ना रे कलंक मैंने गोटे एमबीबी पे मुझ तार एपर्ट डाटा कर गोटे एमबीबी मुझ तार डाटा सारी फिर भी सी बफरिंग शो कर द मिनरल रेयर्स ऑन वाइल्ड कोकोन्स बस ये आमको पिले ऑप्शन गुड़ तुम्हें लक्ष्य कर पार गिव द सिल्क थ्रेड ए स्पेशल साइन प्रिवेंट द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ लॉन्ग स्टैंडर्ड ऑफ अ सिल्क थ्रेड मेक्स द सिल्क थ्रेड स्ट्रॉन्गर प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ अ सिल्क थ्रेड स्ट्रक्चर ठीक अच्छे बस ये आमको देखापी पड़ो मिनरल लेयर्स ऑन वाइल्ड कोकोन्स देख पिले ये तुम मान रही मेनि ओल कोकोन्स आर कवर इन मिनराल लेयर दैट ए प्रिभेन्स आटेम टू रिल फ्रम देम लंग स्टाणार्ड अफ अ सिल्क देखिपार पिले दे ओनली वे टू अबटेन ए सिल्क सुइटेबल फर स्पिनिंग इन टू टेक्सटाइल एक्स वाइज ये बुझिपार तो आम ये कौन करवा ना सिंपली टर्न को देखा दैट ए प्रिभेन्स आटेम टू रिल दैट ए प्रिभेन्स आटेम टू रिल ठीक अच्छे देख पिले दैट ए प्रिभेन्ट द एक्सट्राक्शन अफ अ लंग स्टाणार्ड अफ अ सिल्क थ्रेड प्रिभेन्ट कथ ये
तो वार्ड पिला आम पाईगले जोटा कि ऑप्शन बी रे रही बुझिपार तो गोटे गोटे पिले वार्ड आमको दरकार जोटी आम आंसर कर पार्बा ठीक अच्छे तो ऑप्शन बी को मुझे क्लिक करके गली नेक्स्ट क्वेश्चन पिले दे विल्ड सिल्क यूज बाय द एनिशियंट चाइनीज इज फ्रम लसुंग मलबेरी सिल्क वर्म कैटरपिलर सिल्वर फिश बस आमको पिले कौन देखा पड़ो विल्ड सिल्क यूज बाय द एनिशियंट चाइनीज बस यह देखा पड़ो पिले एनिशियंट चाइनीज देखा कौटी दे जो भी पिले एनिशियंट चाइनीज दे थोटी आम आंसर करवा प्रथम आड़ देखी देखी आसवा एनिशियंट चाइनीज मन रखि था पिले जो भी चाइनीज वर्ड दे थोटा को खोज ये पिले देख गोटे जिन ये पिले मिलगला देख Which are produced by caterpillar? Which are produced by caterpillar? Other than the mulberry silkworm, have been known as used in China. तो आम आंसर कौन करिया पिले caterpillar आंसर करिबा. Which are produced by caterpillar? ता पूर्वर तुम मैंने देखी परिबो. जोटे के most notable various archaeans such as a spider, several kinds of woolly silk. हुई आर प्रड्यूस बाय कैटरपिलर क्या द्वारा पिले प्रड्यूस होती ना कैटरपिलर द्वारा प्रड्यूस होती बस ये जिनसा देखा ऑप्शन में जो भी रही थोड़ा पिले सही आंसर आमर देख पिले ऑप्शन कौटे कैटरपिलर कौटी अच्छी कते नंबर क्वेश्चन दुई नंबर तो पिले दुई नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी दे कैटरपिलर तो ऑब्वियसली पिले आम ऑप्शन सी को क्लिक करके जी क्वेश्चन नंबर थ्री जीवा पिले द बेस्ट नोन सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोन्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बस आमको कौन देखा पड़ो पिले सिंपल जिनस पिले आमको देखा पड़ो द बेस्ट नोन सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकोन्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो आमको देखा पड़ो जो ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोन्स बस ये जिनसा आमको पिले देखा पड़ो फ्रॉम द कोकोन्स बुझिपार पिले ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोन्स कौटी दे पिले ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोन्स से देखा टिके पिले चेक कर तुम मन को एबे क्लियर आसुची कि वॉइस आसुची तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आम देखा हाँ द सिमर इन द सिल्क इज बिकज ऑफ द बस ये जिनसा पे देखा द सिमर इन द सिल्क इज द बिकज ऑफ बस देख पिले सिमर इन द सिल्क देखा कौटी अच्छी लास्ट आड़ देखिपार प्रथम आड़ देखिपार अच्छा पिले आम फास्ट स्टार्टिंग रु देखी देखिए आसवा देख पिले ये तो सिमरिंग
appearance of a silk is due to the triangular fringing. कौन दे छि रे ट्रायंगुलर फ्रिजिंग देइछि लाइक ए स्ट्रक्चर ऑफ द सिल्क फाइबर बस हमकु जो जोटी फिले ट्रायंगुलर फ्रिजिंग देइछि तो बस सेइटा ही आंसर करिवो आ किछि भी नुए फिले ट्रायंगुलर फ्रिजिंग देखो फिले ट्रायंगुलर फ्रिजिंग अछि ना नै रे हां एटी फिले देइछि ऑप्शन ए रे देखो ट्रायंगुलर फ्रिजिंग लाइक ए स्ट्रक्चर ऑफ द सिल्क फाइबर तो ऑब्वियसली मोर ऑप्शन ए आसीबो आंसर जेतु मोत आपसे से मिलिला नंबर 5 फिले देखो रिलिंग लॉन्ग स्ट्रैंड्स of a silk thread from wild cocoons is difficult because wild cocoons are shorter in length the cocoon is torn by the puffa emerging from it the emerging puffa eats it silk strands of a wild cocoons are brittle to question number 5 ra pila answer dio तो आम ऑप्शन को देखा तो ऑप्शन को देख पे तो डायरेक्टली एवं आम पैसेज को देखा कौन देखा पैसेज रे ना विल कोकोन इज डिफिकल्ट बिकॉज बस यही जिनसा देखा ठीक अच्छे विल कोकोन इज डिफिकल्ट बिकॉज बस आम यहाँ देखा पे देख पे कोड दे Willy cocoon are difficult because टिके पे पैसेज करने तुम मैंने टाइम रख दस मिनिट खे टाइम रख पैसेज करने ठीक अच्छे हाथ रखिले दस मिनिट टाइम रखती आम दुईटा चालीस स्टार्ट कले ये पे देख cocoons gather इन द वाइल्ड हाव यूजुअली हाव द पफा इमर्ज फ्रॉम द बिफोर बीइंग डिस्कवर्ड सो द सिल्क थ्रेड दैट मेक अप अ कोकोन हैज बीन टर्न इनटू शॉर्टर लेंथ बुझी पालो फिले तो आम ये करवा कि कोकोन गैदर इन द वाइल्ड हाव यूजुअली हाव द पफा इमर्जिंग फ्रॉम देम ठीक अच्छे पफा इमर्ज फ्रॉम देम पफा इमर्ज फ्रॉम देम जोटा पे थी जो आंसर थी तो आंसर आम करवा पफा इमर्ज इमर्जिंग फ्रॉम इट देख फिले एटी द इमर्जिंग पपा इट्स इट दे कन्फ्यूज करवाई ऑप्शन बी रे फिर आकुरेटली आम जो जिन पैसेज देखे से तो ऑप्शन बी को मुझे क्लिक करके जीवी बास पे दुईटा चालीस क्लास स्टार्ट कले दुईटा पचास सरला या भितर फिले दस मिनिट भितर आम तुम मानक बुझापी जाइली एवं से मझे पे गोटे मिनिट खंडे आई थिंक भयस आसुन तापर आम इंट्रोड्यूस करेले तो पैसेज करने पे हार्डली सात रु आठ मिनिट समय लगे तो सहीटा को पे टेकअप कर तुम्हें मैंने ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर सिक्स पे फटाफट कर फाइंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट अपोजिट मीनिंग ऑफ अ कमीशन कमीशन रे कौन हम ना क्लोज हम ना स्टार्टेड हम ना फिनिश हम ना टर्मिनेटेड हम कौन आंसर आसो पे समस्त आंसर दि कमीशन रे कौन आसो अपोजिट मीनिंग बहुत बढ़िया तो यार सठिक आंसर मेम भी पीले तुम मानक जेहतु आसूँ टर्मिनेटेड तो ऑब्वियसली मुझे टर्मिनेटेड फिले क्लिक करुच्चे क्वेश्चन नंबर सेवेन को जी मुझे फिले तुम मानक कहे कि प्लुरल फॉर्म टी तुम मैंने फिले मन रख तुम मानक सहित मुझे ऑलरेडी फिले पीडीएफ गुड़िक सेयार करी ठीक अच्छे तो ये फिले पचार ओल फ्रॉम प्लुरल फॉर्म कौन और तुम मानक फिले कनसेप्ट बुझे थी और कनसेप्ट जो पढ़े थी तो कही जिते पिला लास्ट को एफ थी यही एफ्टा कटि जा कौन होस तो से पे ओ एल ए एस मोर आंसर आसो जोटा कि पिला ऑप्शन बी रे रही तो मुझे ऑप्शन बी को क्लिक करुच्चे तो जेनरली स्पीकिंग डैश गर्ल्स आर मेंटली स्ट्रंगर देन बॉयज साधारण कहुए कि आम कौन डैश गर्ल्स ए ना द ना आ ना नो नो आर्टिकल जेनरली स्पीकिंग गर्ल्स आर मेंटली स्ट्रंगर देन बॉयज तो कौन सी प्रकार पे ये आर्टिकल जरूरत ना कि आम ये पुट करवा कौन सी आर्टिकल तो नो आर्टिकल पे आम ये क्लिक करके जीवा ठीक अच्छे तापर पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये पे तुम मानक आईटा पे मिस्टेक अच्छी तो आई एम भेरी हापी आवर मास्टर वेन आई क्यू एजुकेटर सुकांत सर डैश टू माई सिटी नेक्स्ट जून फॉर ए कनसर्ट तो ऑब्वियसली पे
ଆମର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ କଥା କହିଛି ନା ଜୁନ୍ କଥା କହିଛି କି ମାଷ୍ଟର ବି ନାଇକ୍ ଏଜୁକେଟର ଆମର ଟାଉନକୁ ବା ସିଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ଇଜ୍ କମିଂ ହେବ? ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ତ ଇଜ୍ କମିଂ, ଯେହେତୁ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୁନ୍ ମନ୍ଥଟା ଆଗକୁ ଅଛି ତ ଇଜ୍ କମିଂ ପିଲେ ଲାଗିବ, ଏ ଆସିବ। ଗିଭ୍ ଦ ଆଣ୍ଟୋନି ଅଫ୍ ଅ ମିଲିଟାରୀ, ଯେମିତି ମୁଁ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମିଲିଟାରୀ ବାଲା ଫିଜିକାଲି ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲେ ସିଭିଲ ବାଲା ସେମାନେ ଫିଜିକାଲି ଆକ୍ଟିଭ ନୁହନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଆଣ୍ଟୋନିମ ଆସିବ। ଅପସନ୍ ଏ ଆସିଯିବ ପିଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଅପସନ୍ ଏ ଆସିଯିବ ପିଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି? ଭଏସ୍ ପିଲେ କ୍ଲିଅର ଆସୁଛି? ଟିକିଏ ପିଲେ ଚେକ୍ କରିଦିଅ, ଭଏସ୍ ଚେକ୍ କର, ଭଏସ୍ ଆସୁଛି। ତ ତାପରେ ପିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ଦେଇଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ଇନ୍ ଏ ସଟନ୍ କୋଡ଼ ଟଚ୍ ଇଜ୍ ରିଟିନ୍ ଆଜ୍ 68, ହାଉ ଇଲି ଏରର୍ ବି ରିଟିନ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କୋଡ଼। ଦେଖ ପିଲେ ଟଚ୍କୁ କେମିତିଆ ଲେଖାଗଲା, ଦେଖ ଏଠି ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଟେନସନ୍ ରହିଛି। କ'ଣ ଟେନସନ୍ ରହିଛି ନା, ଦେଖ ଟଚ୍ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ 68 ଲେଖାଗଲା, ସାଧାରଣତଃ ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ 20, ଟିର ପ୍ଲେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 20, ଓର ହେଉଛି 15, ତାପରେ ୟୁର ହେଉଛି 21, ସିର ହେଉଛି 3, ବା ତୁମେମାନେ ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ 20, 15, 21, 3, ଏବଂ ଏଚ୍ର ପିଲେ କେତେ, EFGH ନା ନାହିଁ 8 ନା, ତ ଏମିତିକା ଆଡ଼୍ କରିଦେବ 35, 35 ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି 56, 56, 56, 59, 59, ଏଇଟା ହେଉଛି 67। ତ ତୁମମାନେ ଭାବିବ କି ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର 67 ହେଇଛି, 67 ତ ପ୍ଲସ୍ 1 ହେଇଯାଇଛି, 68 ହେଇଛି। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ଭାବିକି ଆନ୍ସର୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭୁଲ ଅଟେ। ଏଇଟା କେମିତିକା ଫର୍ମାଟ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ପିଲା ତୁମମାନଙ୍କର SSCର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ, ଟିପିକାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ, ତ ଏଇଟା ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। କେମିତିକା ଫର୍ମାଟ୍ ହେଇଛି ନା, ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଟଚ୍ ରହିଛି, ଟଚ୍ ଟଚ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଟିର ପିଲେ ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ ନା ଜି, ଏବଂ ଓର ପିଲେ କ'ଣ ନା ଏଲ୍, ଏବଂ ୟୁର ପିଲେ କ'ଣ, ୟୁ ହେଉଛି ପିଲେ ଫର୍ ୟୁ, ତ ଏଫ୍ ସି ହେଉଛି ପିଲେ ଆମର କ'ଣ ସିଟି ସ୍କାନ୍, ତ ଏକ୍ସ, ଏବଂ ଏଚ୍ର ପିଲେ ଏସ୍। ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପିଲେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁ କହିଥିବି ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ଜିର ପିଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ପ୍ଲେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଇଜୋତି, ଇଜୋତି ମାନେ କ'ଣ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲେ 5 ଲେଖା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି, ତ ମାନେ 5, ଏଇଟା ହେଉଛି 10, ଓର ହେଉଛି 15, ଟିର ହେଉଛି 20, ଏବଂ ୱାଇର ହେଉଛି 25। ତ ଏଠି ଜି ହେବ ଇଏଫ୍ ଜି, ତାମାନେ 7, ତ ଏଲ୍ ପିଲେ କେତେ ହେବ, ଜେ କେ ଏଲ୍, ଜେ କେ ଏଲ୍ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 12, ଏଫ୍ର ପିଲେ କେତେ, ଇ ପରେ ଏଫ୍ ମାନେ 6, ଏବଂ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ଼୍, ଏକ୍ସ ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ପିଲେ 24। ତାପରେ ପିଲେ ଏସ୍ କେତେ ହେବ, ଏସ୍ ଏସ୍ ହେବ କେତେ ନା, ଯେହେତୁ ପିଲେ ଟିଟା ହେଉଛି ଆମର 20, ତ ଏସ୍ ପିଲେ କେତେ, ଏସ୍ ହେଉଛି 19। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସବୁତକ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି, ଦେଖ 7ରେ 12 ଆଡ଼୍ ହେଇଛି, କେତେ ହେଇଛି 19, 19ରେ 6 ଆଡ଼୍ ହେଇଛି 25, 25ରେ 24 ଆଡ଼୍ ହେଇଛି, କେତେ ହେଇଛି 49, 49ରେ 19 ଆଡ଼୍ ହେଇଛି, ହେଇଛି 68। ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲେ ମାନେ ଚାଲାକର ଲେବୁଲ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର? ବାସ୍ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଏକ୍ଜାମିନର କ'ଣ କରିବ ନା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେବ, ବାସ୍ ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ଲସ୍ ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏମିତିକା ସିଏ ଫର୍ମାଟ୍ ପିଲେ କରିଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏରର୍ ଯେଉଁ ପିଲେ ରହିଛି, ଏଇ ଏରର୍ ବାବୁର ଅପୋଜିଟ୍ ଆମେ ଲେଟର୍ କାଢ଼ିବା। ତ ଇର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ଇର ଅପୋଜିଟ୍ ପିଲେ ଭି। ତୁମେମାନେ ଭାବିବ କି ସାର୍ଙ୍କର କେମିତିକା ମନେ ଅଛି ଅପୋଜିଟ୍ ବୋଲିକା, ଯେକୌଣସି ପିଲା ଅପୋଜିଟ୍ ପଚାରିବ, ମୁଁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ମନେ ରଖିଛି ଇର ଭି, ଆର୍ର ଆଇ, ଆର୍ର ଆଇ, ଓର ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ନା ଲାଇଟ୍ ଅନ୍, ଓର ହେଉଛି ଏଲ୍, ତାପରେ ପିଲେ ଆର୍ର ଆଇ, ଏମିତି ପିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଅପୋଜିଟ୍ ମନେ ରଖିଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତ ଇର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ପିଲେ ଭି, ଆର୍ର ହେଉଛି ଆଇ, ଆର୍ର ହେଉଛି ଆଇ, ଓର ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ରେ ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ଏଲ୍ ହେବ, ଆର୍ର ହେଉଛି ଆଇ ହେବ। ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଇଜୋତି ଆମର ଫର୍ମାଟ୍ ମନେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭିଟା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ, ଯେହେତୁ ପିଲେ ଟିଟା ହେଉଛି ଆମର କେତେ 20, ତ ଟି ପରେ ଏସ୍ ଟି ୟୁ ଭି, ତ ଭିଟା ହେଉଛି ପିଲେ 22 ହେବ, ଏବଂ ଆଇଟା କେତେ ହେବ, ଆଇଟା ହେବ 9, ଏବଂ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ଆଇ ଅଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 9 ହେବ, ଏବଂ ଏଲ୍ର ପିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଇ ଜ୍ୟୋତି ଜେ କେ ଏଲ୍, ଏଇଟା ପିଲେ 12 ଆସିବ, ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆଇ ଅଛି, ଆଇଟା ମଧ୍ୟ 9 ଆସିବ, ତ ଏଇଟା 31, 40, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ 52, 52, 9 କେତେ ହେବ 61, ତ ଏଠି ପିଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବା, ତ ହରିଓମ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି 61, ବୁଝିହେଲା? ତ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଦିମାଗ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକିଏ
रिटायर्ड हो क्वेश्चन रे ठीक अच्छे तो 61 फिले आउ मॉक टेस्ट फिले दब मॉक टेस्ट क्वेश्चन टा मॉक टेस्ट भाया जब न हम तुम मानक जब सब सहज लगे तेल कौन आस मत लगुच फिले तुम मानक एमतीका फिल हो ए मॉक टेस्ट सबमिट कर सारापर कि आमर जो कोडिंग डिकोडिंग रही कोडिंग डिकोडिंग कौन एत कष्ट क्वेश्चन आसे तुमको पे निहाती भाव में फिल हो ऑब्वियसली पे मुझे 100% दे कौन मुझ तुम मानक जी जानी तुम मानक छाला प्रोभाइड करीचिंग तुम मान सहित जितकी पे मिसी तुमको निहाती भाव गोटे सक लगे झटका लगे कि एत हार्ड क्वेश्चन पुणी कह रहा कोडिंग डिकोडिंग ठीक अच्छे पर क्वेश्चन टा पे तो देख ता पर क्वेश्चन टा दे इफ मीटर इज कोड़े डाजे वाने देन हाउ विल रोजर भी कोड़े डाजे मीटर को लिखा जाए वाने तो रोजर को पे कौन लिखा जाए बास एमती पे तुम दे ट्वेल्व नंबर सी आसुच्च नंबर जो पे सी आसुच्च केमी का फर्माट सी आसुच केमी का फर्माट सी आसुच देख पे मुझ तुम मानक कहीदे देख आमर पे जाचे इ ज्योति यहाँ पे मन रख सदा बेले तो आम देखा एम जो अच्छी जे के एल एम ए एन एम ए एन ए ओ तो आम जब देखा एम रिले के एम रोचे 13 है ए मीटर कथा कह पे एम इ टी आर ए मीटर कथा कह तो एम रिले के एम रोचे 13 डायरेक्टली पे ये लिखिदे एम रोचे 13 एवं आर रिले के आर एस टी आर हूँ पे के 18 तो 13 को 18 ने पे मिसेज ताने प्रथम लेटर एवं लास्ट लेटर ये दुटाक मिसेदी के 13 रे 18 मिसेले 31 हम बुझिपाल पे 13 रे 18 मिसेले 31 हम तापर जो पे ये जो मझे जो लेटर गुड़िक रहा जमीका पे इ टी ठीक अच्छे ये जो इ टी पे रहा एगुड़ाक कौन कर मिसेज इ र्लेस बेल पे के 5 टी र्लेस बेल पे के 20 एवं इ र्लेस बेल पे के 5 ए ए तीन टाक मिसेले फिले के 30 आसपे फिले कौन कर 31 रु 30 को वियोग कर दे जोटा कि फिले 1 आसी तो ये पे से 1 लिखी तापर कौन कर तुम पे एमती का फर्माट देख तो रोजर फिले देख रोजर से कर प्रथम हूँ आर फिले आम के आर हूँ 18 तो लास्ट आर फिले के लास्ट आर हूँ 36 है तापर ओ जिई ओ जिई रिले काढ़ ओ रोचे पे 20 ई एफ जि 7 आसरी ओ रोचे पे 15 रे रोजर रे रोजे रे आर रोचे पे के आर 18 ना एवं ए आर रिले 18 तो 18 पे के 36 आस जोटा कि आम पूर्व फर्माट कौच एवं आमर जो पे ओ जिई रही ओ जिई को कौन करवा पे मिसेद वियोग करदे ओ रिले के 15 आसपुर जि रिले के 7 आसव इ रे 5 आसव तो यहाँ पे के 15 7 आड कले 22 रे 5 आड कले 27 तापर आम कौन करवा पे 36 रु 27 को वियोग करवा जोटा पे 9 आसव देखिपार पे ये कौन कर माने प्रथम जमी हल कलापुर मंजि बुणिला बिहन चाष पकड़ा सार पिड़िया सब दिगला धान अमल है गजा है एमती प्रकार फिले प्रदर्शन करके आंसर बाहर जोटा कि फिले 9 हो बुझिपाल आउ एमतीका ही क्वेश्चन फिले एग्जाम पड़ा जदि बास एमतीका पे मन रखि फर्माट फिले एमतीका भीपर मन रखि फिले हाँ लास्ट बिकिदेला खाइलानी उपवास रहा हजार फिले
नेक्स्ट देखा इन ए सर्टन कोड लांगुएज देख पे ये भी सही कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन देखिए ये आहरी तुम मानक टेनसन करदेव इन ए सर्टन कोड लांगुएज वीओम को लिखा जाए बीडीएफ एन पी वाई हाउ विल यू प्रॉमिस बी रिटेन दैट लांगुएज एटी पे तुम मानक कौन हो जाच एटी पे देख ये तुम मानक पे जो बियन लिखा जाए तो सर्वप्रथमें जो चेंज हम फर्माटी कंसोनेंट को फिले सेम लिखा जाए भाउएल रे फिले वन आड कर बुझिपारल कंसोनेंट को फिले सेम कर भाउएल रे वन आड कर आल्फाबेटिकली अर्डर लिखा जामती फिले लिखाई मुझ तुमको फिले देखा शुण यहाँ पे कमी का हम मुझे देखा देख बियन सर्वप्रथमे कौन करा ना कंसोनेंट गुड़िक सेम करागला मान या फिले कंसोनेंट गुड़िक सेम करवा एटी के आसो या गोटे बीटा गोटे कंसोनेंट ताने गोटे बी रहा आमर जो पे भाउएल रहा भाउएल कौन आड करागला ना ता परवर्त संख्या करागला है भाउएल ता परवर्त संख्या कर तो ये पे आम जब देखा इ रवर्त संख्या के एवं वाईटा गोटे कौन वाईटा गोटे कंसोनेंट ना नहीं तो वाईटा कंसोनेंट माने वाई को वाई रखा ला मो कथा पिले शुण मु कौन कहूँ से जिनसटा को पिले लक्ष्य कर कि मु कौन करूँ से जिनसटा को पिले लक्ष्य कर प्रथम कौन करागला ना प्रथम पिले भाउएल जो रही देहरे प्लस वन आड कर कंसोनेंट जो पिले रही ता सेटा को पिले कांस्टेंट रखा जाउची बुझिपारल तो से कौन भी चेंज करा जाऊनी तो तापर आम कौन करुचे ना से गुड़ी सजे लिखा तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर रे पिले आम लिखा ठीक अच्छे तो वाई को वाई रहा ओ रिले कौन है ओ हूँ गोटे तुम मर भावल अटे ओ रिले पी है एन टा गोटे कांस्टेंट एन को एन रहा डी को पिले डी रहा तापर आम कौन करवा ना आपको अल्फाबेटिकली सजेबा अल्फाबेटिकली सजेबा जदि पिले आम प्रथम को किए आस प्रथम तो पे आम बी आस ऑब्वियसली प्रथम किए आस प्रथम बी आस अल्फाबेटिकली सजेले किए आस डी आसपर सजेले पे किए आस भर कह एफ आसपर सजेले किए आस एन ए आसपर एन ए पर पी आसपर वाई आस वर्तमान पिले जो आंसर बाहर यहाँ से बुझिपाल बीडीएफ एन पी वाई केमिति का पिले बियोनटा केमिति का तुम मानक लिखा जाए बीडीएफ एन पी वाई जापार ना कौन सी प्रकार पिले डाउट अच्छे बियोनटा लिखा जाए पिले बीडीएफ एन पी वाई केमिति का लिखा जाए जापार सर्वप्रथमें भाउएल जब थी तेरे वन आड करवा कंसोनेंट को सेम रखा तापर कौन करवा ना अल्फाबेटिकली अर्डर में सजेक रखा बास से जिनसा आम ये प्रमिश बाबू सहित करवा प्रमिश बाबू जो रही तो प्रमिश बाबू सहित आम कौन करवा ना बास किसी ना पे गोटे लुचकाली खेलटे खेल कौन लुचकाली ना ये आम प्रमिश बाबू को लिखिले ठीक अच्छे ये प्रमिश बाबू को लिखा तो प्रमिश बाबू को लिखला आम जाचे पी पी बाबू होंगे आम को पार्टी ना कंसोनेंट पार्टी तो पी बाबू को पी बाबू रखीदे आर बाबू को आर बाबू जगह रखिले ओ हूँ आम भावेल पार्टी तो ओ ओ पे प्लस वन हम कारण भावेल पे आम प्लस वन आड करवा कंसोनेंट को पे सेम रखा ठीक अच्छे तापर एम हूँ आम कंसोनेंट पार्टी तो एम को एम रखिले आई हूँ पे आम भावेल पार्टी आई रहा आसीज आई रे आसो एस हूँ आम कंसोनेंट पार्टी एस को एस रहा इ हूँ पे भावेल पार्टी इ रही एफ बुझिपार तापर आम कौन करवा ना ये आसला कौन करवा पे अल्फाबेटिकली सजेबा तो तुम्हें पे जानते जो अल्फाबेटिकली सजेबा सर्वप्रथम या भितर आम कौट आस एफ आस ठीक ना नहीं पे तापर किए आस एफ पर जदि आम पे देखा अल्फाबेटिकली आम किए आस एफ पर जे आसना जे आसपर किए आस पे एम आसपर किए आस पे देख एटी गोटे पी रही गोटे पी रही तुम्हें दीटा पी से कौन सी भी मतलब ना कि तुम्हें ए पी टाक रखु कि ए पी टाक रखु ठीक अच्छे दीटा पी रहा पे आर रहा एस रस आंसर आसगला अपसन ए पिले बुझिपारल एफ जे एम पीपीआरएस तो तुम मानक भितर किसी तो स्टूडेंट्स भावुवे प्लीज सर एमती का क्वेश्चन
ପୁନର୍ବାର ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ତ ପିଲା ମନେ ମନେ କହୁଥିବେ କି ସାର୍ ଏମିତିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ପୁନର୍ବାର କେବେ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପିଲେ ତୁମେମାନେ କହୁଥିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ମନର କଥା ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ପିଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖିଛେ କି ଆମର ଚାରୋଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ନଜର ରହିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ହୋଇଥିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଥିବ, ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୃତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସେମାନେ କରୁଥିବେ, ଦେନ୍ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟି ମିନିଂଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ପିଲେ ଅପସନ୍ ଏରେ ପିଲେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। 14କୁ ଦେଖିବେ ପିଲେ, ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ୱାଇ ସେଇଙ୍ଗ ହି ଇଜ୍ ଦ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର ଅଫ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ମାଇ ମଦର। ତ ପିଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କଭର୍ କରିବାରେ ମୋର ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟିକେ କାମ ଅଛି। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ପିଲେ, ଫାଦର ଅଫ୍ ମାଇ ଫାଦର ତା ମାନେ ଏକ୍ସ ର ଫାଦର ଅଫ୍ ମାଇ ଫାଦର ତା ମାନେ ଏକ୍ସ ର କିଏ ଫାଦର ସରି ମାଇ କ'ଣ ରେ ହଁ ଫାଦର ଅଫ୍ ମାଇ ଫାଦର ମାଇ ଫାଦର ର ଫାଦର ତା ମାନେ ଏକ୍ସ ର ଜେଜେ ବାପା ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଠୁ ଏଇତକ ପାଇଲେ ଏକ୍ସ ର ପାଇଲେ କ'ଣ ନା ଜେଜେ ବାପା ପାଇଲେ, ହେଲା। ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର ମାନେ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କର ଝିଅମାନେ ଏକ୍ସ ର କ'ଣ ହେବ, ଏକ୍ସ ର କ'ଣ ହେବ ପିଲେ, ନାତୁଣୀ ହେବ। ତାପରେ ହି ଇଜ୍ ଦ ହଜବେଣ୍ଡ ତା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ନାତୁଣୀ ରହିଲା, ନାତୁଣୀର ସ୍ୱାମୀ ତା ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ପିଲେ, ଟିକେ ପିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଗଲି। ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଫାଦର ଅଫ୍ ମାଇ ଫାଦର, ଫାଦର ଅଫ୍ ମାଇ ଫାଦର ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବାପା, ମୋ ବାପାଙ୍କ ବାପା ମାନେ ମୋ ଜେଜେ, ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର ମାନେ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର ମାନେ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ନାତୁଣୀ, ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ନାତୁଣୀ ମାନେ ଏ ଲୋକଟା କ'ଣ ହେବ, ଏ ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅଟାର ଏଇ ଏକ୍ସ କ'ଣ ହେବ, ଅବଭିଅସ୍ଲି ଭାଇ ଭଉଣୀ ରିଲେସନ୍ସିପ୍। ଯଦି ଏଇ ଝିଅଟାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ନିଜ ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆରେ ନିଜ ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଲ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ନିଜ ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ, ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଲ ହେବ ନା, ନିଜ ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ, ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଲ ହେବ। କ'ଣ କହିଲି ନା, ଫାଦର ଅଫ୍ ମାଇ ଫାଦର ମାନେ ମୋ ଜେଜେ, ମୋ ଜେଜେଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର ତା ମାନେ ମୋ ଜେଜେଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର ମାନେ ମୋ ଜେଜେଙ୍କର ନାତୁଣୀ, ଆରେ ନିଜ ଜେଜେଙ୍କର ନାତୁଣୀ ତା ମାନେ ନିଜ ଭଉଣୀ, ତ ନିଜ ଭଉଣୀ ମାନେ ନିଜ ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ହେବ, ନିଜ ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଲ ହେବ। ତ ଏଠି ପଚାରିଛି କି ୱାଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ, ୱାଇଟା କ'ଣ ହେବ ଏକ୍ସର, ତ ବ୍ରଦର ଇନ୍ ଲ ହେବ। ଜୟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ରୁଷି ଆଜ୍ ଦ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର ଅଫ୍ ହିଜ୍ ମଦର, ଜୟ ହାଜ୍ ଏ ନୋ ସିବ୍ଲିଂ। ଏଠି କହିଛି ଯେ ଜୟ ହାଜ୍ ଏ ନୋ ସିବ୍ଲିଂ, ଏଇଟା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା, ହାଓ ରୁଷି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଜୟ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ କଭର୍ ଅପ୍ କରିକି ଆସିବା। ହଁ ଦେଖ ପିଲେ, ଓନ୍ଲି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର ଅଫ୍ ହିଜ୍ ମଦର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଓନ୍ଲି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର ଅଫ୍ ହିଜ୍ ମଦର ତା ମାନେ ଜୟର ଯିଏ ମା ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର ତା ମାନେ ଜୟର ସିଏ କ'ଣ ହେବେ, ଜୟର କ'ଣ ହେବେ, ନିଜ ଭଉଣୀ ହେବ, ନିଜ ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀ କହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନିଜ ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀ କହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଜ ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଠି ପଚାରିଛି ରସି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଜୟ, ରସି କ'ଣ ହେବ ପିଲେ, ଟିକେ ପିଲେ ଏଠି ଟିକେ ରୁହ, ଜଲ୍ଦି ଚକରେ ପିଲେ ଭୁଲଭାଲ ତ କିଛି ହେଇଯାଉନି। ଜୟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ରସି ଆଜ୍ ଦ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର ଅଫ୍ ହିଜ୍ ମଦର, ନିଜ ମାଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର, ଆଚ୍ଛା ନିଜ ମାଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରସି ନିଜେ। ଆନ୍ସର ପିଲେ କ'ଣ ଆସୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର, ଫାଦର ଇନ୍ ଲ ଆସୁଛି। ଜୟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ରସି ଆଜ୍ ଦ ହଜବେଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର ଅଫ୍ ହିଜ୍ ମଦର, ଅଫ୍ ହିଜ୍ ମଦର ଜୟ ହାଜ୍ ଏ ନୋ ସିବ୍ଲିଂ, ହାଉ ରସି ରିଲେଟେଡ୍। ସନିଲ ଲ ଆସୁଛି କିରେ ପିଲା ଆନ୍ସର ନା କ'ଣ,
अच्छा डायरेक्टली पे मुझ फर्माटा पकई दूची एटी पे रसी रहा रसी माँ रही है सरी एटी पे जय रहा जयर माँ रही जयर मदर रे जयर मदर मदर ग्रांड डॉटर ता माने जयकर डॉटर तापर ग्रांड डॉटर ता माने आम जब देखा ये पे ग्रांड डॉटर आसब ठीक अच्छे तो ग्रांड डॉटर फिर ये आसला ओनली द रसी हाज द हजबैंड ऑफ द ओनली ग्रांड डॉटर ता माने यही ग्रांड डॉटर हजबैंड ता माने यही जेनेरेसन आसब एवं एठी कहि जय हाज नो सिबलिंग जदि जयर कौन भी सिबलिंग नहांती ता माने यही जो रसीटा रसी ताले कौन हम जदि जयर कौन भी प्रकार सिबलिंग नहांती ता माने आम ये डायरेक्टली कहीपर यही जो रसी रही ये सन इन लॉ हम कौन हम पे जय रदी कौन भी सिबलिंग नहांती रसी बाबू जनक कौन हे ना सन इन लॉ हे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऑल बोटल इज प्लास्टिक सम बैग्स आर प्लास्टिक कंक्लूजन सम बैग आर नॉट बोटल सम प्लास्टिक आर नॉट बैग देख पे तुमकर क्विक करवा ऑल बोटल आर प्लास्टिक देख पे बोटल कथा कही तो मुझे बोटलटा को पे गोलाटे रखुचे ऑल बोटल आर प्लास्टिक अच्छा बोटल आउ प्लास्टिक पे ये पे मुझे प्लास्टिकटा को रखिली तापर मोर कौन आसूसी ना सम बैग आर प्लास्टिक सम बैग आर प्लास्टिक देख पे मुझे बैगटा को ये रखिपारि ये तुमको पे डबल डायग्राम आसपार डबल डायग्राम केमती आस देख पे आम डबल डायग्राम देखा देख ये पे डबल डायग्राम आसब ये पे आम बोटल को रखिपर ये पे बोटल को रखिले ये पे तुमको प्लास्टिक को रखिले आम ये देखा प्लास्टिक रखला पर आमर सम बैग्स आर प्लास्टिक मैंने बैगटा मध्य आमर रहीपर ठीक अच्छे क्वेश्चन ने पे आमको कौन पचार क्वेश्चन पे भल भाव लक्ष्य कर मुझ तुम मानक जहाँ कह सेगुड़िक तुम्हें पे नोट डाउन कर ठीक अच्छे ये पे कही सम बैग आर नॉट अ बोटल देख पे सम बैग आर नॉट बैग पे ये रहा मैंने यहीटा पे फॉलो करुच्ची कि प्रथम स्टेटमेंट प्रथम जो पे कंक्लूजनटा रही फिगर को लेकिन फॉलो करुच्ची तुम मानकर देख बैग रहा पे बोटल रहा मैंने रिलेसनशिप अच्छी ताने यही पे फॉलो करुच्ची मुझे पे ते बेले सॉरी यही पे तुम मानकर फॉलो तुम मान पे पूर्व कही जिते बड़े प्लस माइनस आसव से कैनसल होगा केस थे कौन अपसन ही ना मैंने ये तुम मानक आसवना कि सेकेंड जो यहीटा तुम मानक गोटे भाइटाल अटे सम प्लास्टिक आर नॉट बैग कौन दे सम प्लास्टिक आर नॉट बैग आम जब फिर देखा ये पे प्लास्टिक बैग देखी तुम मानक लगे कि सार ये तो प्लास्टिक किसी भाग अच्छी आउ कि भाग ये अच्छी ताने या भितर तो कौन भी जो कंक्लूजनटा दे तो सही फॉलो करुच्ची तुम मानक लगे ये पे बैग देखी प्लास्टिक देखी भागटा प्लास्टिक भितर आसुनी तुम मानक लगे हाँ सारे आमर जो फिगर वन को लेकिन फॉलो करुच्ची फिगर टू को लेकिन फॉलो करुच्ची चार्जर तो फिगर टू को लेकिन पे फॉलो करुच्ची तुमको एमतीका लगे किंतु ये पे मुझे तुमको क्लीयर कट कहीदेप चाहिए कि सम प्लास्टिक आर नॉट अ बैग यहीटा तुम मानक बिल्कुल भी पिले पॉसिबल हम ना कहीं पॉसिबल पिले से जिते बड़े कौन प्रकार क्यान बाला तुम मानक था माने क्यान बेला पे कौन ना देख जदि ये तुम मानक डायरेक्टली कही सम बैग आर प्लास्टिक जदि ये तुम मानक था सम बैग आर प्लास्टिक कि सम प्लास्टिक आर बैग ताने आम ये ओके पे करु आमको ये पे कौन कही ना ये कही सम प्लास्टिक आर नॉट बैग ये पे नॉट लगी जिते बड़े पिले नॉट लगे से पिले पॉसिबिलिटी केस रे कौन लगे ना एदर क्यान और लगे ठीक अच्छे माने एदर और पिले तुम मानक लगे तो एदर और पिले तुम मानक बिल्कुल भी ना तो पॉसिबिलिटी वाला केस आंसर करानी तो नन अफ द कंक्लूजन पे आंसर करवा मुझ कहली पे बुझीपार जिते बड़े पॉसिबिलिटी केस थी इंग्लीश कौन इन पॉसिबिलिटी केस एदर क्यान और पॉसिबल वर्ड मस्ट बी प्रेजेंट बुझीपार इन पॉसिबिलिटी केस एदर क्यान और पॉसिबल वर्ड मस्ट बी प्रेजेंट
ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତ ଏଠି ପିଲେ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ଦେଖ, ଅଲ୍ ଡାର୍କ ଇଜ୍ ନାଇଟ୍, ଏଇଟା ମୁଁ ସବମିଟ୍ କଲି ନା କଲୁନି? ଏଇଟା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆସିବ, ପୂର୍ବଟା କରିଛି ଦହମ। ଅଲ୍ ଡାର୍କ ଇଜ୍ ନାଇଟ୍, ଦେଖ ପିଲେ ଅଲ୍ ଡାର୍କ ଇଜ୍ ନାଇଟ୍, ତ ପିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଡାର୍କକୁ ରଖିଛି, ଅଲ୍ ଡାର୍କ ଇଜ୍ ନାଇଟ୍, ନାଇଟ୍କୁ ପିଲେ ଏଇଠି ରଖିଲି। ତାପରେ ସମ୍ ଡାର୍କ ଆର୍ ବ୍ଲାକ୍, ସମ୍ ଡାର୍କ ଆର୍ ବ୍ଲାକ୍, ଦେଖ ପିଲେ ବ୍ଲାକ୍ଟା ମୋର ଏଠିକି ବି ଆସିପାରିବ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ବ୍ଲାକ୍ କଲା ପରେ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ରେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏଠି ପିଲେ ଡବଲ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ନିଡ୍ ନାହିଁ ବି ପିଲେ ଏଠି ଡବଲ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମେ ବି ଡବଲ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଯଦି ତୁମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କରିବ ତୁମେମାନେ କରିପାରିବ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡବଲ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଅଲ୍ ଡାର୍କ ଆର୍ ନାଇଟ୍ ଦେଇଛି, ତ ପିଲେ ଡାର୍କ ଏଇଠି ରଖିଲ, ଡାର୍କ ରଖିଲ, ନାଇଟ୍ ରଖିଲ ପିଲେ ଏହା ଭିତରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସମ୍ ଡାର୍କ ଆର୍ ବ୍ଲାକ୍, କିଛିଟା ଡାର୍କ ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ଅଟେ, ତାମାନେ ବ୍ଲାକ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଏହାରି ଭିତରେ ଆସିବ, ତ ଏଇଠି ପିଲେ ବ୍ଲାକ୍ଟା ରହିଲା। ତ ଆମେ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଦେଖିବା, ଅଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଇଜ୍ ନାଇଟ୍, ଅଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଇଜ୍ ନାଇଟ୍, ଦେଖ ପିଲେ ବ୍ଲାକ୍ଟା ତୁମମାନଙ୍କର ୟା ଭିତରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ନାଇଟ୍ଟା ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ହୋଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ଟା ଅଛି, ତ ଏଇଥିରେ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଫଲୋ କରିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପିଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ଟା ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ପିଲେ ନାଇଟ୍ଟା ଅଛି, ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଫଲୋ କରୁଛି କି ଫଲୋ କରୁନି ନା? ତ ତା ମାନେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଏଇଦର ଅର୍ କେସ୍ ହେବ ଆନ୍ସର। ତ କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ପିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଟୁକୁ ଯିବା, ସମ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନାଇଟ୍, ଦେଖ ପିଲେ ବ୍ଲାକ୍ କଥା ଏଠି ଦେଇଛି ଏବଂ ନାଇଟ୍ କଥା ଏଠି ଦେଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ନଟ୍ ବାଲା କନ୍ସେପ୍ଟ ଥିବ ତ ଏଇଦର ଅର୍ ଯଦି ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ତା ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କନ୍ସେପ୍ଟକୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ଆମେ ପିଲେ ଏଇଠି କରିବା, ତ ଏଇଦର ଅର୍ ବାଲା କନ୍ସେପ୍ଟକୁ କଭର୍ କରିବା, ବା ଏଠି ଆମର ପିଲେ ଅପସନ୍ ସି ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ। ତ ଜିନ୍ଦାବାଦ ପିଲେ କରିକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପିଲେ କରିଚାଲ, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପିଲେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, ପାଠ ଯଦି ଶିଖିପାରୁଛ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ପାରୁଛି ପିଲେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସେୟାର୍ କର ପିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲେ ମେ ବି ଏଇଦର ୱାନ୍ ଅର୍ ଟୁ ଫଲୋସ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିଲେ ସବମିଟ୍ କରିବା, ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 ପିଲେ ଦେଇଛି, ଇଫ୍ ୱେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ଡ ବାଇ ନର୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ଆମେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ଟି କରୁଛେ, ଏଇଟା ପିଲେ ଇଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ପିଲେ ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ପିଲେ ନର୍ଥ ଅଛି, ଏଇଟା ପିଲେ ସାଉଥ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ, ଏଇଟାକୁ ପିଲେ କହୁଛେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ, ଏଇଟାକୁ କହୁଛେ ପିଲେ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ, ଏଇଟାକୁ କହୁଛେ ପିଲେ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ, ଏଇଟାକୁ କହୁଛେ ପିଲେ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ। ତ ଆମେ ଯଦି ପିଲେ ଏଇଠି କହିବା କି କ'ଣ କହିଛି, ଆମକୁ ପିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି ୱେଷ୍ଟଟା ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇଗଲା କେଉଁଥିରେ, ୱେଷ୍ଟଟା ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇଗଲା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ, ତା ମାନେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟଟା ପିଲେ କେଉଁଠିକି ଗଲା ହାରି, ଏଠିକି ଗଲା ହାରି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟଟା ପିଲେ ଏଠିକି ପଳାଇ ଆସିଲା। ତ ଆମେ ଯଦି ସିମ୍ପଲି ଦେଖିବା କି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଏଇପଟକୁ ଆସିଲା, ଏଇତିକ ବାଟ ଯେଉଁ ଆସିଲା, ଇଏ କେତେ ବାଟ ଆସିଲା ନା, ଏଇଠୁ ଏତକ ପିଲେ 90, ଏଇଠୁ ଏତକ 45, ତା ମାନେ 135 ଡିଗ୍ରୀ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ରେ ଆସିଲା। ଆଇ ଆମ୍ ରାଇଟ୍ ପିଲେ, 135 ଡିଗ୍ରୀ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ରେ ଆସିଲା। ତ ଆମେ ଏଠି ପିଲେ କରିବା ଯେଉଁ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପିଲେ ପଚାରିଛି କି ସାଉଥ୍ ବାବୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରାହେବ, ଦେଖ ପିଲେ ସାଉଥ୍ ବାବୁ ସେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମିତିକା ସାଉଥ୍ ବାବୁ ପିଲେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ ନା 135 ଡିଗ୍ରୀ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍କି ଯିବେ। ତ ସାଉଥ୍ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 135 ଡିଗ୍ରୀ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ନେବି, ତ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ମାନେ ପିଲେ ଏମିତିକା ବୁଲିକି ଆସିବ, ଏମିତିକା ବୁଲିବ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍, ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ପିଲେ କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ରିଭର୍ସ ବୁଲିବ, ଏମିତିକା ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍, ଏଇଟା ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍, ଏଇଟା ପିଲେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍, ଏଇଟା ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତ ଆମେ ଯଦି ଏମିତିଆ ଦେଖିବା ଏଇଠି ସାଉଥ୍ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 135 ଡିଗ୍ରୀ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ନେବା, ଏବଂ ଏଇଠୁ ଏତକ 35, ତ ସରି ଏଇଠି ଏତକ 45, ତ ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଗଲା 145, ଏବଂ ଏଇଟା ପିଲେ କେଉଁଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟଟା। ତ ଆମର ପିଲେ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ, କ'ଣ ଆସିବ ପିଲେ ଆନ୍ସର, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଆସିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାର ପିଲେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କାଇଣ୍ଡଲି ତୁମେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଖ, ମୋର ଫିଲହାଲ 3:00 ପିଲେ ମୁଁ ଯିବାର ଥିଲା, ମୋର 3:20 ହେଲାଣି ଆସିକି, 20 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଡିଲେ। ଅଜୟ ଆଣ୍ଡ କାଜଲାର ଡୁଇଙ୍ଗ ଯୋଗା, ଅଜୟ ଆଉ କାଜଲ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଗା କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଯୋଗା କରୁଛନ୍ତି ନା ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯୋଗା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି ଉଦୟ ହୁଏ ନା ଇଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନରେ ଉଦୟ ହୁଏ, ଏବଂ କିଏ କିଏ ନା ଅଜୟ ଆଉ କାଜଲ ଫେସିଂ ଇଚ୍ ଅଦର, ଦୁଇ ଜଣ ପିଲେ ଏମିତିଆ କଥା ହେଉଛନ୍ତି,
दी जन कथा होती फेस टू फेस अजय एवं काजल एवं आमको कही काजल सैडो फॉल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अजय जदि फिले मुझे तुम मानक काजल को रखुची काजल को जदि ये रखी काजल फेस एमती का आड़े रजय को जदि फिले मुझे ये रखी अजय फेसटा एमती का आड़े रहा आमको जना अच्छी जितेबाला सूर्य उदय होते सूर्य बाबू पूर्व दिगरे उदय हूँ से पश्चिम दिगरे सैडो पड़े तो आमे कही परिबा तो पश्चिम दिगरे माने एई पटे तुम मानकर सैडोटे पड़ुथिबो जेहेतु ए दि जण एमतिका कथाबार्ता होउछंती तो आमको कहिछि कि काजल जो सैडोटा पड़िबो तो लेफ्ट साइड ऑफ अजय पड़िबो जदि फिले मु अजय बाबू को एटी रखिबी अजय बाबू जेतेबेले फिले ऊपर को अनैबे बा काजल को अनैछंती तो काजल काजल रो बाम पटटा एई पटटा ठीक अछि सॉरी अजय रो बाम पटटा एई पटटा एवं आमको डायरेक्टली मध्ये कहिछि जे अजय रो जो काजल सैडो से अजय बाँ पटे पड़ो तो काजल तो ये ढाई काजल सैडो ऑब्वियसली फिले वेस्ट्रे पड़ो अजयर अजय जिते बड़े फिले ऊपर को मुँह करजल सहित कथा तो अजयर लेफ्ट साइड तो ऑब्वियसली फिले यपट रे अजय तेल कौ डिरेक्शन मुँह करा हूँ फिले नॉर्थ डिरेक्शन तो आंसर आस नॉर्थ आंसर कौन आसर आस नॉर्थ तो नॉर्थ फिले मुझे आंसर करी क्वेश्चन नंबर 20 को फिले कवरअप करवा अनिल इज टलर देन सनी हु इज शॉर्टर देन बेबी अनिल इज टलर देन सनी सनी फिले कौन ना शॉर्टर देन अनिल सॉरी टलर देन जल्दी चक्कर फिले भूल हो मैंने कथा सरला तो बी कूल एंड कंटिन्यू अनिल इज टलर देन सनी अनिल इज टलर देन सनी ता माने सनी ठारु अनिल बड़ हुईज शॉर्टर देन बेबी ता माने ए जो सनी बाबू जनक ये बेबी ठारु सानो मु कोन कहिली पिले बुझी परिलो अनिल इज टलर देन सनी एई अनिल बाबू सनी को ठारु बड़ ता माने मु एमतिका चिन्हटे दे परिबी किंतु एई जो सनी बाबू रहिले ये बेबी को ठारु सानो ता माने बेबी को मु एठी बसेई देबी बसेई पारिबी ना पारिबिनी खाली एतिकी मते कुह बसेई पारिबी पुणी कौन कही अनिल इज टलर देन बोस ता माने अनिल हूँ बोस ठारू बड़ अच्छा ठीक अच्छे हुईज शॉर्टर देन सनी अनिल हूँ बोस ठारू बड़ तो पिले जब बोस ये रखी ये कही कि अनिल हूँ बोस ठारू बड़ किंतु हुईज शॉर्टर देन सनी किंतु सनी ठारू सी सान बुझिपारल मु कौन कहली अनिल इज टलर देन बोस हुईज शॉर्टर देन सनी ता माने आमर जो पिले सनी बाबू आसवे मुली पिले बुझीपारच जो सनी बाबू आसवे सी कौटी रे ना देख एटी पिले अनिल आसला ये बेबी आसला ये सनी आसला तो बोस बाबूटा ऑब्वियसली पिले ये रे कारण आम को कौन कही अनिल इज टलर देन बोस अनिल ये रहा बोस हूँ ये रहा तो ऑब्वियसली पड़ एवं हुईज शॉर्टर देन सनी जो सनीटा पिले रीटा क्या ठारू सान रहा अनिल ठारू सान रीक अच्छे तो अनिल ठारू ऑब्वियसली सान अच्छी ना सनी तो ये पिले सबुठ सान किए हुईज शॉर्टेस्ट हुईज शॉर्टेस्ट ना बोस इज शॉर्टेस्ट तो बोस रे पिले मुझे आंसर करी बास पिले जदि बुझी नौ डबल देख डबल देखिक आंसर कर मैंने आउ थे डैश इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी आम जाने आम भारत हूँ पिले लार्जेस्ट डेमोक्रेसी क्वेश्चन नंबर डी है जो पिले सटिक आंसर ऑप्शन 21 रो इन डेमोक्रेसी द रूलिंग पार्टी इज अकाउंटेबल टू तो ऑब्वियसली पिले द पीपल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोटा पिले यूनिटरी फीचर्स नुए डिवीजन ऑफ पावर ऑल इंडिया सर्विसेज इंटीग्रेटेड जुडिशियरी देख पिले तुम्हें मैंने जब क्वेश्चन को देखो तुम्हें मैंने इजिली जापर यूनिटरी मैंने कौन यूनिटरी मैंने आम कह पे सांगठानिक आम जब पे डिजन करवा अरे डिजन जब आम करदे से यूनियन क्या कौटी आसूसी तो ऑब्वियसली पे डिजन पावर करवा तापर फिले देखिए हुई वन ऑफ द फॉलोइंग वेब्स आर यूज बाय द कॉमन टीवी रिमोट आमर जो रिभिट सॉरी फिले जल्दी चक्कर एमती का तुम मान मिस हो रियली सॉरी तीन टे मत जावा कथा फिले तीन टा छब्बीस हो गला मोर माइंड पूरा ऑलरेडी फिले ब्लैंक कारण 25 मिनट लेट हो तो ये फिले तुम मानक आसव कौटा टीवी रिमोट रे यूज करा होची रे इन्फ्रारेड वेव्स ना फिले ऑप्शन सी आसव आई थिंक तो मुझे ऑप्शन सी रे क्लिक करुच्छी डीपी पी फिले के 1993 आउ 94 मसीह आसाला जदि फिले 93 आंसर अच्छी तेल मुझे आंसर 1993 करी जदि 94 आंसर अच्छी तेल मुझे 94 करी तो 94 चल दी
व्हिच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द फोर पिलर ऑफ एजुकेशन. फोर पिलर ऑफ एजुकेशन आम जब देखा लर्निंग टू नो लर्निंग टू लिव लर्निंग टू नो लर्निंग टू बी लर्निंग टू डू लर्निंग टू लिव टुगेदर कितु लर्निंग टू ईट पिला हेनी आउ फास्ट फूड चिकेन अंडा रोल युवा सब खाइब बिरीयी खाइब. क्वेश्चन नंबर 27 पिले देती ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ अ डैश कमिशन द फास्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एज ए फॉर्मुलेटेड गवर्नमेंट. तो देख पिले 1968 मसीह प्रथम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पिला आसी एनपीई पिला आसी 1968 मसीह. तो तुम्हें से पिले चिंता कर कि 1968 मसीह पाखे तुम्हारे पिले को कमिशन आ कमिटी थी किए थे कोठारी बाबू थे. तो ऑब्वियसली डायरेक्टली पिले कोठारी कमिशन कर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनल नॉलेज कमिशन 2006 एवं 2009 नेशनल नॉलेज कमिशन साम पिटरोडा तुमने मन अच्छी थे. तो यहाँ पे कौन बोरोइंग नॉलेज डेलीवरी सर्विस ना एक्सेस टू नॉलेज ना नॉलेज कॉन्सेप्शन सॉरी नॉलेज कॉन्सेप्ट पिले मत पे लगुच बोरोइंग ऑफ नॉलेज यहाँ तुम मन ना. व्हिच डे इज सेलिब्रेट जनवरी 15 जनवरी 15 पिले कौन आम आर्मी डे ना. तो आर्मी डे अच्छी हाँ आर्मी डे पिले ये अच्छी देख ऑप्शन सी. तो ऑप्शन सी रे पिले मुझे क्लिक करके जाऊँगी. नेशनल साइंस डे पिले फेब्रुवरी 28 तो फेब्रुवरी 28 ऑप्शन डी. इट इज योर फास्ट डे जिते बार तुम मन फास्ट डे थी क्लास तुम्हें कौन कर निजे निजे पिले सेल्फ इंट्रोड्यूस कर जोटा कि पिले तुम्हें देखिपर थो ऑप्शन सी आसव सठिक आंसर. हाउ वुड यू ड्रेस योर सेल्फ एज ए टीचर गोटे शिक्षक हिसाब से तुम्हें कमी का भाव में मैंने कौन कटा जीन पिंधिक ना हाफ पैंट पिंधिक ना कौन पिंधिक मैंने चिरा फटा जो जीन्स बाहरी से जीन पिंधिक छाती आड़ दीटा बोटा खंडे खोल दे पूरा हिरो भाया जीव ना चशमा टे लगे रंगीन चशमा लगे कमी जीव रे ऑब्वियसली पिले डिग्निफाइड कमी डिग्निफाइड हो ठीक अच्छे हाँ फॉर्मल ड्रेस फॉर्मल ड्रेस. व्हाई आर द क्लास टेस्ट कंडक्टेड कौन पिले क्लास रो टेस्ट करा जाउची मु तुम मानकर पिले जो मॉक टेस्ट करी कहीं करी पिले मन पकेल कौन पे मॉक टेस्ट करी टू एवाल्युएट एजुकेशनल अचीवमेंट तुम्हें केते सिखिचो केते जानिचो केते पढ़िचो केते मन रखुचो से पिले करी. हु फॉर्म ब्राह्म समाज ब्राह्म समाज पिले फाउंडर किए राजा राममोहन रॉय एटा तुम्हें समस्त जानिचो 1828 मसीह से प्रतिष्ठा करते तो एग्जीक्यूट होता 1830 रे. पेडागोजी पिले कौन आम जो पेडागोजी पढ़ुचे जो टीचिंग मेथड पढ़ुचे ना डेमोनस्ट्रेसन मेथड हो डिस्कसन मेथड हो लेक्चर मेथड हो एक्स वाई जेड सब जहाँ भी मेथड पिले आम पढ़ीचे 20-30 खंडे मेथड पढ़ीचे तो से सब टीचिंग मेथड पिले. आज पीपुल ग्रो ओल्डर द लर्निंग डिसलाइन यहाँ पिले लर्निंग कौन कर स्पीड ओल्डर पिले यहाँ हूँ स्पीड ठीक अच्छे ओल्डर कथा कही पिले मन रख ग्रो ओल्डर यहाँ हूँ तुम्हारा कौन आस स्पीड आस मन रख डायरेक्ट पिले क्वेश्चन देख आंसर मन रख. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू डिक्रीज माइनर इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर माइनर मैंने जो पिले पिलाड़ी आम जो अनुपयुक्त पिलाड़ी बिहेवियर पर तुम मन पिले कौटा यूज कर यहाँ कौटा यूज कर पिले इग्नोरेंस यहाँ कौन यूज कर पिलाड़ी बिहेवियर पर तुम जो डिक्रीज करने पिलाड़ी बिहेवियर को डिक्रीज करने तुम इग्नोरेंस को यूज कर. अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूए जॉन डुए अनुसार आम जो स्टूडेंट्स मानक आम जो स्कूल टीचिंग दबा से तुम मानक प्राक्टिकाल लाइफ सहित प्रेजेंट सिचुएशन सहित पिले डील होता दरकार आंसर करवा. द मोस्ट रिसेंट रेस्पन्स इज मोस्ट लाइकली टू ए फॉरगेट ना रिकॉल ना कंप्राइज ना नॉट अकर अगेन. तो मोस्ट रिसेंट रेस्पन्स इज मोस्ट लाइकली टू फॉरगेट ना अकर ना कंप्रोमाइज अच्छा कंप्रोमाइज ना नॉट अकर अगेन कौटा पिले कौटा बेस्ट हम. तो यहाँ पिले रिअकर ठीक अच्छे मोस्ट रिसेंट रेस्पन्स मन कर पिले ये तुमको डायरेक्टली कौन पचार कहल जिते बड़े तुम्हें टीचर को सरी जिते बड़े तुम्हें स्टूडेंट्स को पढ़ेब जदि पाने बुझ नपारे तुम्हें जो गोटे आक्टिट कराइल पिला न बुझीपारे कौन कर पुनर्बार कर रिअकर पिले बुझीपाल पिले तो ये मुझे कौन करी ना ऑप्शन बी को पिले आंसर करुच्ची. तापर पिले क्वेश्चन नंबर 40 देती द आप्लिकेसन आइडियाज आईडिया कथा कही पिले बुद्धि कथा कही कौन गोटे प्लानिंग कथा कही नॉलेज आउ स्किल आउ अचीव द डिजायर रिजल्ट इज कॉल्ड एटा को पिले आम कौन कहवा क्रिटिकल थिंकिंग कहना प्रोब्लेम सॉल्विंग कहना ना डिडक्टिव मेथड कहना ना ऑब्वियसली पिले प्रोब्लेम सॉल्विंग कहना
कौन कह पे प्रोब्लेम सल्विंग कह कारण आईडिया जे नलेज ए स्किल युवा आम प्रोब्लेम सर्ट आउट होता है प्रोब्लेम सल्विंग कह तो ऑप्शन बी आम आंसर करवा तो तापर पे आंसर कर सारापर ये कौन करवा ना सबमिट ऑप्शन को क्लिक करवा जय जगन्नाथ पिले मे भी तुम मान चालीस रु चालीस रही पारे ना चालीस रु तीस रही पारे देखिए पे के भ्यू स्कोर में जहाँ भी रही पे संतुष्ट हम तो ये पे आम रहा के 38 रहा तो 40 रु पे आम 38 मार्क भूल टे नजर दबा ये कौन गोटे भूल हाँ ये पे कि भूल ये बिल्कुल भी ये सबमिट करनी बुझिपार पे यहाँ मुझ तुम मानक सबमिट करनी ये किसी भी भूल तुमने पे क्लीयरली देखिपार यहाँ तुम मानक जो ब्रदर 100% पे सठिक आंसर रही ठीक अच्छे तापर पे आम जब देखा आउ कौटा भूल रे हाँ ये कौन गोटे छाड़ दे कि भूल के जाने हाँ ये पे देख देख पे आपको कहते पे तुम मानक तरबरिया काम हु फोन द ब्राह्म समाज तुम मानक पे मुझे कहली राजा रामन रे कि मारी कौन ना ऑप्शन डी मारी सेटा हूँ पुणी कौन ना स्पीड चक्कर बास बुझिपार पे तो भूल हूँ मोर तुम मानक कौन सी भूल ना तो ऑप्शन ए हो सठिक आंसर बास पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करदेव चैनल जॉइन हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी विदाय नौ पे नाइट तुम मानक क्लास हम जय जगन्नाथ।